हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। अब इसका हम नाइन्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है क्वेश्चन के अंदर कि आपको खुद दिया गया है सब्स्टिट्यूशन कि आपको सोल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन 9x² d² y/dx² प्लस 9x dy/dx प्लस 36x^4 − 16 × y = 0। जैसा कि हम कर रहे हैं क्या कि हर इक्वेशन को हम वेसल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, उन सॉल्यूशंस को भी हम याद कर रहे हैं कि भाई इस टाइप की होगी तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा। तो ये नाइन्थ क्वेश्चन है, जबकि इसमें कुछ दिया हुआ है कि जेड को क्या पुट करना है आपको, x², ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन z = x² तो ऑलरेडी दे रखा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, तो हम करते हैं। तो हमारे पास जेड क्या दे रखा है, z = x², तो dz/dx क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, दैट इज dz/dx = √z। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, √z, ठीक है। तो dy/dx को वही चैन रूल लगाते हैं हम, dy/dx को क्या लिख सकते हैं, dy/dz और dz/dx। dy/dz और dz/dx है आपके पास, ये इसका डबल कैसे करोगे, सिर्फ u × v, दोनों साइड d/dx अप्लाई कर दिया तो इस पे करेंगे तो u × v लगेगा हमारा फिर दोबारा से। तो पहले मैं इसका कर देती हूँ, 2√z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पहले तो z के रिस्पेक्ट में होगा, √z का क्या होगा 1/2√z, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा d ये एज इट इज, ठीक है, और z का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस का साइन, अब ये वाली चीज है एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा d²y/dz² × dz/dx। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 1/√z, dz/dx क्या है 2√z, उसको मैंने पुट कर दिया, dy/dz प्लस dz/dx 2√z और ये d²y/dz², ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैं लिख देती हूँ फिर दोबारा से, ये कैंसिल हो गया, 2dy/dz प्लस 4z d² y/dz², ये आ गया हमारे पास। इसको यूज करो इक्वेशन नंबर 1 में, 9x² क्या है हमारे पास, z × 2dy/dz प्लस 4z d² y/dz² प्लस 9x, x क्या है हमारे पास √z और dy/dx क्या है हमारे पास √z dy/dx 2√, तो ये जगह 2 आगे कर दिया मैंने, और dy/dz प्लस 36x^4 क्या हो जाएगा z²−16 × y = 0, तो ये हो जाएगा 18z, ठीक है, मल्टीप्लाई करो dy/dz प्लस 36z²d²y/dz² 18z dy/dz प्लस 36z²−16 × y = 0। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको मैं आगे लिख रही हूं, 36z²d²y/dz² प्लस 36, ये दोनों टर्म सेम है, dy/dz प्लस 36z²−16 × y = 0। आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको 36 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, ठीक है, 36 से मैंने थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा z²d²y/dz² प्लस z, ठीक है, प्लस ये क्या बचेगा z²-16/36 × y
जेड स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर प्लस जेड डी वाई बाई डी जेड प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 449 जा 2y 3 का होल स्क्वेयर इंटू वाई। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या आ गई, बेसल इक्वेशन आ गई जिसका ऑर्डर क्या है 2y 3 है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सीधा लिखा जा सकता है, हैंस द सॉल्यूशन, हैंस द सॉल्यूशन क्या जाएगा, y इज इक्वल टू c1j 2/3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा z आएगा, प्लस c2j (-2/3) इंटू जेड, जेड को वापिस पुट कर दो तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, वेरीफाई करना है सिर्फ और सिर्फ j (-1/2) एक्स जो भी दे रखा है वो सेटिस्फाई करता है बेसल इक्वेशन को ऑफ ऑर्डर -1/2, ठीक है। ये आपको इसके अंदर क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब तो सबसे पहले तो मैं बेसल इक्वेशन कितनी ऑर्डर की लिखनी है आपको, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर -1/2, ठीक है। बेसल इक्वेशन में लिख देती हूँ एक बार, ऑर्डर 1/2 की क्या होगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पे 1 - 1/2 का स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये बेसल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है, -1/2 है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या प्रूव करना है कि जो सॉल्यूशन होगा आपका ये रूट जे ऑफ -1/2 जे ऑफ -1/2 इंटू एक्स आपका क्या दे रखा है, अंडर रूट 2/πx अभी। एक मिनट ये ध्यान दे इस बात पे कि यहाँ पे बेसल का इक्वेशन अगर मैं ये कहूं कि क्योंकि इसमें तो क्या हो जाएगा x² - 1/4, ठीक है, इंटू वाई हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन आपके पास माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे मान लो मैं प्लस करती हूँ तब इसको मैं बेसल के फॉर्म में लिखती हूँ, तो माइनस और -1/4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस -1/2 का स्क्वेयर, तब कहेंगे हम ये बेसल का ऑर्डर क्या है माइनस, यहाँ पे सीधा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आपका गलत रहेगा। तो हमारी जो बेसल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x² d² y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² + 1/4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे माइनस और -1/2, ये तो हमें दिखाने की जरूरत होती है, बस यूज तो इसी का करना है। फिर हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, y को क्या लेना है, j (-1/2) जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, अंडर रूट 2/πx cos x। कुछ नहीं करना आपको, dy/dx निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसमें पुट करना है और इसको 0 के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो ये आप करके देखना, कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।